हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चॉकलेट बनाना, और इसके लिए हम कोको पाउडर का यूज करने वाले हैं। और बहुत इजी है इसे बनाना, और मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम बिना मोल्ड के भी चॉकलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है बर्तन, और इसके अंदर थोड़ा पानी रख दिया है। और फिर हमें चाहिएगा एक और बर्तन, चाहे आप कांच का भी यूज कर सकते हो या फिर स्टील का भी बर्तन ले सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि ये बर्तन पानी से टच नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रहना चाहिए। तो ये अभी हम रख देते हैं। कोकोनट ऑयल ले लिया है मैंने 1/4 कप। इसे हमें बॉईल नहीं करना है, बस इसके डालने के बाद ही हमें तुरंत शक्कर का पाउडर डाल देना है। और ये है 1/3 कप, ये डाल देते हैं और इसे अब मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो शुगर पाउडर ली है, इसके लिए मैंने शुगर को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया, और फिर उसके बाद उसे एक कपड़े से छान लिया। और अभी शुगर पाउडर को डालने के बाद इसे 1 मिनट तक हम इसी तरीके से कंटिन्यू चलाना है, गैस की फ्लेम को लो रखना है। और अब इसमें डाल देते हैं 1/3 कप मिल्क पाउडर, और इसे डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे हमें 1-2 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए इसे पका लेना है, जिससे कि मिल्क पाउडर का कच्चापन खत्म हो जाए। शुगर और मिल्क पाउडर हमें सेम क्वांटिटी में लेना है 1/3 कप, और कोकोनट ऑयल और कोको पाउडर हम लेंगे 1/4 कप। और अब इसमें हम डाल देते हैं कोको पाउडर 1/4 कप, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, मिक्स कर लेते हैं। कोको पाउडर डालने के बाद इसे 1 मिनट तक और हम इसे चला लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है, और अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ, और इसे मैं अभी भी चला रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बाउल अच्छा गर्म है, तो उसकी हीट से ये अच्छे से अभी और सेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको हिलाते रहना है गैस को बंद करने के बाद भी। गैस पे से उतार लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है ये। इसे मैं एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेती हूँ, जिसे डालने में थोड़ा इजी रहे। ये यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ सिलिकॉन मोल्ड का। अगर आपके पास ये हो तो आप इसमें चॉकलेट बनाइए, और अगर ये नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपके घर में आइस ट्रे तो होगी, बस उसका यूज कर लें और उसमें अपने चॉकलेट बना सकते हैं। आप चाहें तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करके डाल सकते हैं, अगर आपको क्रंची चाहिए हो तो। अब इसे फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए फ्रिज में से मैंने इसे निकाल लिया है, और बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो इसे मैं निकाल के आपको बताती हूँ। आपको बस हल्का सा ऐसे इस तरीके से ट्रे को थोड़ा सा मोड़ना है, और देखिए बहुत ही इजीली ये निकल जाएंगे। ये देखिए, ये भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने हमारी चॉकलेट बना दी है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, विथ मोल्ड और विदाउट मोल्ड, किस तरीके से बनाना है। बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।